गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है टेंथ ऑफ जनवरी 2023 ड्यू टू टेक्निकल रीजंस आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द एनालिसिस फ्रॉम माय लैपटॉप दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग द मोबाइल वर्शन ऑफ दिस चार्ट डॉलर इंडेक्स अभी है हंड्रेड चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो अपना जो सपोर्ट रेंज है दैट इज योर हंड्रेड एंड टू ऑन द लोअर साइड एंड हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट सेवन जीरो ऑन द हायर साइड इस जोन के अंदर में आ चुका है अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा फॉर फर्दर कन्फर्मेशन क्या डॉलर इंडक्स इस रेंज के अंदर में कंसोलीडेट करके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है या फर्दर डाउनवर्ड मूव होता है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अभी आते हैं डॉलर रूपी पॉइंट पर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डॉलर उपी जो है एट्टी टू पॉइंट ज़ीरो सेवन पे है हमारा जो रेंज था दैट इज़ एट्टी टू पॉइंट थर्टी फोर्टी ऑन द लोअर साइड एंड एटी टू पॉइंट नाइन्टी नाइन्टी फाइव ऑन द हायर साइड उस रेंज के बाहर आ चुका है अभी है ये रेंज पे आने के बाद हमें अभी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो रेंज रेंज के बाहर है एंड आर एस टर्म्स में डॉलर रुपये अभी चालीस पे है अगर वीकली में देखेंगे वीकली में एट सिक्सटी है अगर हम मंथली में देखेंगे तो एट सेवेंटी है अबोव सिक्सटी दैट बीइंग द केस दे आर आर हायर प्रोबेबिलिटीज़ कि ये अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है आर एस एटर्स में ये फोर्टी में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन अगेन वी मे एक्सपेक्ट एन मीन्स वेरी गुड अप मूव इन डॉलर रुपए सो ये हो गया आर एस आई में बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ये थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो सकता है सो so, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा प्राइस एक्शन फर्दर कन्फर्म करने के लिए एंड इन द प्रोसेस जो हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है आपका 82 से 82.05 के बीच में अभी देखना है कि इस लेवल पे, टू बी प्लेसेज नॉट एटी टू एट्स एटी टू एट्टी वन पॉइंट एट जीरो टू बी प्लेस एटी वन पॉइंट एट जीरो से एटी वन पॉइंट नाइन जीरो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल से क्या प्राइस इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है ये हमें देखना पड़ेगा जीबीपी डॉलर का अगर हम चार्ट देखेंगे जी बी डॉलर अभी है आपका वन पॉइंट टू वन सिक्स एट अभी ये जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था वन पॉइंट वन एट फोर जीरो उसके बाद ये आपका अच्छा खासा तीन बिगी यानी थ्री हंड्रेड मिप्स के ऊपर एक उछाल देखा गया फ्रॉम द रिसेंट स्विंग लो उसके बाद डेली में ये इमीडिएटली हेडिंग टुवर्ड्स सिक्सटी आर एस आई टर्म्स में देट मीन द केस देर देर आर पॉसिबिलिटी के इसके आसपास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले लें बिफोर गोइंग फर्दर जस्ट आई वुड लाइक टू हैव ए ड्रीम्स अबाउट दर एस एक्ली आर एस एज ऑल्सो अप्रोचिंग सिक्सटी एंड मंथली इज होवरिंग अराउंड फोर्टी टू दैट मीन द केस आर एस ए टर्म्स में इमिडिएटली मीन्स uh, आपका 1.22 से 1.23 के बीच में एक रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी बी पी आई एन आर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्विंग लो जो रिसेंट स्विंग जो लो मारा है एट uh, 98.00 उसके बाद ये अभी 100.07 पे है सो दैट बीइंग द केस यहाँ पे एज़ पर द प्राइस एक्शन एज वेल एज आर एस आई टर्म्स में एक रेजिस्टेंस हम फेस देख एक्सपेक्ट करते कर सकते हैं बिकॉज आर एस आई में डेली आर एस आई इज़ हेडिंग टूअर्ड्स फिफ्टी फोर बिफोर गोइंग फर्दर आई लाइक टू चेक द वीकली आर एस एस वीकली आर एस आई इज़ होवरिंग अराउंड सिक्सटी एंड मंथली इज अप्रोचिंग सिक्सटी दैट बीन द केस यहाँ पर भी हम प्राइस एक्शन एज वेल एज आपका आर एस टर्म्स में एक रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो डॉलर पे ये अभी है वन पॉइंट जीरो सेवन टू एट और रिसेंट स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जा चुका है एंड आर एस टर्म्स में इट्स ब्रोक अबोव सिक्सटी करेंटली एट सिक्सटी वन पॉइंट सेवन वन थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में आर एस आई चेक कर लेते हैं आर एस हायर टाइम फ्रेम में इट इज़ वीकली में इट इज़ टेकिंग ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट सिक्सटी एंड मंथली में भी आपका ये फोर्टी के काफ़ी ऊपर एट 46 है सो so ऊपर में भी काफ़ी रूम है टूअर्ड्स 60 जाने के लिए काफ़ी रूम है सो so यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज इन टर्म्स ऑफ द करेंसी इज कंसर्न के यहाँ पे 60 फर्स्ट टाइम इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एट 60 ऑन वीकली टाइम फ्रेम आर एस दैट बीन द केस देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि यूरो डॉलर पे एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो आइन पे अगर हम देखेंगे तो डेली में ये इमीडिएटली सिक्सटी पहुँचाए सिक्सटी पॉइंट थ्री फाइव एक बार वीकली आर एस आई देख लेते हैं इट इज़ मच अबोव सिक्सटी डेट इज एट सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स एंड मंथली इज़ ऑल्सो सिक्सटी पॉइंट फाइव एट सो दैट बिंग द केस यहाँ पे इमिडिएटली एक तो रेजिस्टेंस है आर एस आई टर्म्स में सो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक आउट करता है ऑन द हायर साइड तो इमीडिएटली प्राइस एक्शन के हिसाब से एक आएगा 88.30 के आसपास एक रेजिस्टेंस इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा उसको भी अगर ब्रेक कर जाता है तो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये ऊपर की तरफ जाता है इनकेस र एस टर्म्स में ये 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है सो so, थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं so, सो हमें देखना है कि इमीडिएटली ये रेजिस्टेंस ले रहा है या ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का प्रयास करता है डॉलर ये अभी है वन जैसे कि हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है दैट इज 130.40 से 31.20 उसी के आसपास ये काफी टाइम बिता रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका प्राइस एक्शंस सेकेंड क्या है ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को हेजिटेट कर रहा है क्या ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज देगा वो हमें आने वाले दिनों में देखना है नाउ कमिंग टू द आर एस एटम्स आर एस एट्स में ये एट 39.6 नाइन से देर आर हायर प्रॉबेबिलिटीज कि ये रेन शिफ्ट कर सकता है रेन शिफ्ट मतलब ये बिलो 40 काफ़ी टाइम से इन बिलो uh, 40 में था अभी ये फर्स्ट टाइम ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है That मीन द केस थोड़ा सा वीकली आर एस आई इज़ ऑल्सो 40 एट फोर्टी एंड मंथली आर एस आई एट फिफ्टी एट दैट मीन द केस यहाँ पे एक प्रॉबेबिलिटीज़ है कि ये करंट लेवल के आसपास 130 से 130 1.50 के आसपास कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है अभी आते हैं डॉलर एन आईन आर पे ये एन आईन आर ये भी आपका फो सिक्सटी पे होवर आई कर रहे ऊपर में काफ़ी टाइम था उसके बाद ये अभी 59.34 में है थोड़ा सा Weekly RSI is above 60 at 64 and monthly is 49 so it is approaching नाइन सो इट इज़ अप्रोचिंग फिफ सिक्सटी यहाँ पे immediately एक resistance हम expect कर सकते हैं So आने वाले दिनों में हमें देखना है कि यहाँ यहाँ पे RSI daily RSI में ये सिक्सटी में resistance लेके नीचे आता है या नहीं Dollar कैन at एट जैसे कि हमारा काफ़ी पहले का एंटिसिपेशन था कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये ये इट शुड मूव टुवर्ड्स 1.3225 के तरफ उसी के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और अभी है 1.3394 यहाँ पे जो रिसेंट हमारा डेली एनालिसिस था वहाँ पे हमें एक रेंज बॉक्स मिला था या रेक्टेंगल मिला था उसके ब्रेक डाउन के बाद हमारा जो इमीडिएट जो छोटा टारगेट है वो है 1.333035 सो दैट मीन दैट उसके काफ़ी नज़दीक आ चुका है एंड ऑल्सोज जो जो लो मारा है वो है वन पॉइंट थ्री थ्री फाइव सिक्स काफ़ी नज़दीक टू द बॉक्स का जो रेंज है उसके काफ़ी रेंज नज़दीक है तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ हम सेल आप्टिक्स कर सकते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट अभी आते हैं ऑसी डॉलर ऑसी डॉलर पे ये आपका 0.6912 एंड ये 60 के आसपास काफी समय से टाइम बिता रहा है फर्दर क्लैरिटी के लिए वीकली आर एस आई इट इज हेडिंग टूअर्स सिक्सटी फ्रॉम बिलो एंड मंथली इज ऑल्सो एट फोर्टी सेवन सो यहाँ पे जो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है दैट इज़ पॉइंट सिक्स एट नाइन जीरो से पॉइंट सिक्स नाइन लेकिन ऊपर में एक हमें एक इसको अगर फर्दर एक्सटेंड करेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन है उसके आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलने का प्रयास कर सकता है डॉलर सी एन एच अभी है सिक्स पॉइंट सेवन सेवन टू सेवन काफ़ी सॉफ्टनेस यहाँ पे आ चुका है बट इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आपका 6.7250 से 6.78 ये एक पुराना सपोर्ट जोन है क्या प्राइस इसके आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा यूके ऑयल 79.48 नाइन पॉइंट कल आपका जो प्राइस एक्शन ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 81.33 लेकिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड अभी 79.58 नाइन पॉइंट फाइव दैट मीन द केस ऑल दो आर एस आई इस लेवल पे सपोर्ट लेके रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है लेकिन फर्दर क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा ऊपर देखते हैं वीकली इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट सिक्सटी एंड मंथली इज एट फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन एट सो दैट मीन द केस यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है जो रिसेंट स्विंग लो डेट इज़ आपका 77.80 एंड उससे पहले का स्विंग लो डेट इज़ 75.30 ऑन द हायर साइड अपना जो रेजिस्टेंस हो सकता है 86.75 में कंसीडर एज ए रेजिस्टेंस लेवल अभी आते हैं यूएस एस स्टैंडर्ड ट्रेजरी यूएस एस स्टैंडर्ड ट्रेजरी थ्री पॉइंट वन पे है और आपका आर डेली आर एस एट फोर्टी वन थोड़ा सा वीकली आर एस आई देख लेते हैं इट टुक रेजिस्टेंस एट सिक्सटी एंड कमिंग डाउन एट करेंटली एट फिफ्टी वन पॉइंट फोर सेवन एंड मंथली इज एबोव सिक्सटी दैट बीइंग द केस इसका जो सेल ऑफ है थोड़ा सा शार्प नहीं होगा हल्का सा बिकॉज मंथली इज अप्रोचिंग सिक्सटी फ्रॉम एबोव वीकली इज़ ऑल्सो इन बिटवीन सो एंड डेली आर एस आई एट फोर्टी वन सो आपका थोड़ा सा हमें जो इसका जो फर्दर सेल ऑफ़ है थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है मीन्स इतना शार्प सेल ऑफ़ नहीं हो सकता है इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है थ्री पॉइंट फाइव जीरो एंड थ्री पॉइंट फोर ज़ीरो लेवल पे क्या ये सपोर्ट लेके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा विशिंग यू ऑल ए ग्रेट डे एहड थैंक यू एंड बाय बाय